ये भी हमारा फेवरेट स्टॉक लगातार रहा हुआ है, आज फिर से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और इस पर कुणाल जी और राकेश जी का भी ध्यान चाहिए, और वो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। BSE में यहाँ पर 605 रुपए के आसपास आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करें, आप लगाएं स्टॉप लॉस 590 रुपए के आसपास का, 630 और 650 ये दो टारगेट लेकर चले। देखिए CDSL में BSE की 24% हिस्सेदारी है, और CDSL में जो इनकी हिस्सेदारी उसकी वैल्यू है अब करीबन 2000 करोड़ रुपए के आसपास है, और BSE के पास 2200 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है। स्टार म्यूचुअल फंड में जो हिस्सेदारी है वो अपनी जगह अलग है, और BSE का अपना एक्सचेंज का वैल्यूएशन तो अपनी जगह है। तो BSE अब भी बहुत बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है, और हमें लगता है कि इवेंचुअली BSE भी अगले कुछ सालों में आपको 1000 रुपये चार डिजिट में जाता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। तो ये एक और वैल्यू स्टॉक है जहाँ पर अच्छे खासे बिजनेसेस हैं, स्टार म्यूचुअल फंड, CDSL, खुद का बैलेंस शीट में कैश, तो इतनी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी। और सबसे बड़ा ट्रिगर अब आगे चलते हुए जब भी NSE का IPO आएगा तब इसके वैल्यूएशन अनलॉक होते हुए जबरदस्त नजर आएंगे। तो शांति से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेकर बैठ जाइए, और अभी जो CDSL में मूव आया है उसका फॉलो अप मूव आपको BSE में देखने को मिल सकता है। 630-650 ये टारगेट रखिए, दो ऊपर की तरफ आप अगर इसे डे ट्रेड के तौर पर खरीदते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं। तो इस पर एक राय चार्ट के लिहाज से बंसल जी। जी चार्ट्स काफी स्ट्रांग है, और वीकली चार्ट्स पर अगर हम देखें, वीकली चार्ट्स पर देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से एक बड़ा वाला ब्रेकआउट हो रहा है। पर अनिल जी, जो आपने टारगेट्स दिए हैं, मुझे लगता है उन टारगेट्स के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, और यहाँ पे जो टारगेट्स बैठते हैं 690 से लेकर 714 का जोन है, इस 690 से लेकर 714 के जोन के लिए इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। छोटे छोटे टारगेट्स के लिए, इंट्राडे के लिए इसको नहीं खरीदना चाहिए, और जिस तरीके से स्टॉक निकल रहा है 690 से लेकर 714 के टारगेट के लिए बाय एंड होल्ड करना चाहिए। यह है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई BSE पर खरीदारी करने के लिहाज से 700 रुपए तक के आसपास के टारगेट।